आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। हम धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने रात भर संभाला और एक इस नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ा और हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। तो इस सुबह के समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उससे प्रार्थना करें और अपने हर एक बातों को उससे कहें, क्योंकि वही हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दी। पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवादी हैं परमेश्वर कि आपने रात भर संभाला परमेश्वर और एक नई सुबह को हमारे जीवन में जोड़ दिया। पिता, हम धन्यवादी हैं प्रभु, आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, उन सब को तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु, कि प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें। प्रभु आप उनकी सुधि लें। आज के पूरे दिन में आप हर एक के साथ में, हर एक के परिवार के साथ में हुए परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता, हम हर एक के जीवन की रुकावटों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि आप हर एक की सुधि लें प्रभु जी। प्रभु जीव हर एक के जीवन में आने वाली रुकावटों के लिए खुदावंद यीशु मसीह, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हर एक के जीवन की रुकावटों को दूर करें। प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन रुकावटों से परमेश्वर पिता आप उन्हें बचाएं। परमेश्वर आप उन रुकावटों को उनके जीवन से दूर करें। पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के भविष्य में आने वाले रुकावटों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि आप भविष्य से रिलेटेड प्रभु जो भी रुकावटें हैं प्रभु, वो प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। पिता हर एक के परिवार में आने वाली हर एक रुकावटों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि प्रभु हर एक रुकावट प्रभु परिवारों को छोड़कर चली जाए। पिता यीशु मसीह हर एक के परिवार से आप रुकावटों को दूर करें। पिता परमेश्वर प्रभु रिश्तों में आने वाली रुकावटों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके रिश्ते आते हैं प्रभु और वो होते होते रुक जाते हैं, परमेश्वर पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप वो रुकावटों को उनके जीवन से कैंसिल आउट करें। परमेश्वर पिता हम यीशु के नाम से उन रुकावटों को उनके जीवन से दूर करते हैं। पिता प्रभु जी जॉब में आने वाली रुकावटों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि जिनकी जॉब में प्रभु रुकावटें आती हैं पिता परमेश्वर, और बहुत सारी समस्याएं भी उनके जीवन में आती हैं, प्रभु यीशु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उन रुकावटों को, उन समस्याओं को प्रभु हम उनके जीवन से दूर करते हैं मसीह यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी रुकावटें आती हैं प्रभु, आप उन रुकावटों को दूर करें। पिता परमेश्वर हर एक के जीवन से इस रुकावट को दूर करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी पढ़ाई में आने वाली रुकावटों के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु जी, कि आप प्रभु हर एक की पढ़ाई में आने वाली रुकावटों से उन्हें बचाएं प्रभु, और पिता परमेश्वर उन रुकावटों से प्रभु आप उन्हें सेव करें। परमेश्वर पिता हर एक वो रुकावट यीशु के नाम से हर एक के जीवन से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। प्रभु हर एक काम को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक जन के जीवन पर प्रभु आपका आशीष हो प्रभु, आपकी करुणा आपकी दया हर एक के जीवन पर प्रभु हम मांगते हैं प्रभु। प्रभु जी आप हर एक के जीवन में सफलता दीजिए, और आज पूरे दिन भर में हर एक के साथ में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हर एक दुर्घटना, हर एक बीमारी, हर एक विपत्ति से आप प्रभु हर एक को बचाएं। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।